rationalizing factor of root of 5 plus 2 root 6 is either this or this. Now consider this 5 plus 2 root 6 को हम लोग लिख सकते हैं root 5 को देखो क्या लिख सकते हैं 2 plus 3 plus 2 root 6 को हम लोग लिख सकते हैं root 2 root 3 so which is equal to now 2 को लिख सकते हैं root 2 square 3 को लिख सकते हैं root 3 square plus 2 root 3 so ये कौन से फॉर्म में है a square b square plus 2ab so that is a plus b the whole square तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो दो स्क्वायर रूट्स आते हैं रूट टू प्लस रूट थ्री और माइनस ऑफ रूट टू प्लस रूट थ्री. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या लिखा जाता है स्क्वायर रूट फोर इज टू और माइनस टू तो ये आएगा या तो ये आएगा. अब आंसर क्या है इसका जो वैल्यू है वो ये है या तो माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री है. तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट टू माइनस रूट थ्री होगा और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री होगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट टू माइनस रूट थ्री रैशनलाइजिंग फैक्टर है या तो रूट थ्री माइनस रूट टू रैशनलाइजिंग फैक्टर है. वही तो उन्होंने लिखा है ये या ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है. सो दिस इज़ करेक्ट दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट.